आपकी क्या पोस्ट है इधर? पोस्ट पीएन की है। हाँ आपकी जी, पीएन की पोस्ट हाँ है। जी, अभी ये जो आप काम कर रहे हो, कि ये क्या काम कर रहे हैं आप? ये नाम दर्ज है ना? नाम दर्ज आप करते हो, आपको ये ऑथराइजेशन है? हाँ वैसे कर देते हैं ना। नहीं वैसे क्या नहीं मतलब, वो आपको ऑथराइजेशन है? आपके जो सीनियर है वो क्यों नहीं आए? सीनियर ऑफिसर कहाँ है आपके? सीनियर वो छुट्टी पे है, वो शिमला गए थे मीटिंग। रोज छुट्टी पे रहते हैं जब? ना ना, मीटिंग ही है, मीटिंग है वो शिमला में। वो मैंने हिमाचल में डलहौजी के रोजगार कार्यालय के नियम कानून के क्या मायने हैं, इसे रोजगार कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी की बातों से समझा जा सकता है। डलहौजी के रोजगार कार्यालय में खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोजगार कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में शासन का कितना खौफ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जहाँ रोजगार अधिकारी कई दिनों से कार्यालय से गायब हैं, तो वहीं उनकी अनुपस्थिति में चपरासी उनके कार्यभार को संभालता है और बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन करता है। इस बारे में जब चपरासी से पूछा गया तो उसने कहा कि रोजगार अधिकारी के निर्देश पर ये काम कर रहा है। आप ये ऑथराइजेशन, आपको ऑथराइजेशन पूरी है इसकी कि आप कर सकते हो ये काम? आप एज ए पीएन उनके बिहाफ पे ये काम कर सकते हो? तो बोला उन्होंने तो कर देंगे। किसने बोला आपको? इंचार्ज ने। इंचार्ज ने बोला ये करने का? क्या नाम है आपके इंचार्ज का? जगदीश सिंह। हाँ जी, जगदीश सिंह। जगदीश सिंह पोस्ट पे, किस पोस्ट पे? किस पोस्ट पे हो? सीनियर असिस्टेंट। तो वहीं चपरासी के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने से रजिस्ट्रेशन कराने आए लोगों में रजिस्ट्रेशन के सही या गलत होने को लेकर आशंका बनी रहती है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशिता। आप क्या कराने हो, क्या समस्या आपकी? समस्या ये कि एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करना था, हमने कुछ कोर्स करना था, तो हमें क्या पता था कि सही है या गलत है, और जो सीनियर होते हैं वो नहीं बैठते यहाँ पे और ये बैठते हैं यहाँ पे। तो सर आपके काम गलत हो रहे हैं? हाँ अभी तो गलत नहीं हुआ, अभी तो कल ही हमने एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज किया, पता नहीं अब क्या होगा। मामला उजागर होने पर रोजगार अधिकारी अपने को बचाते नजर आए और चपरासी को रजिस्ट्रेशन कराने संबंधी निर्देश देने से इंकार किया। क्या एक पीएन जो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है? नहीं, मैंने तो कभी ऑर्डर नहीं किया पीएन को। कोई पीएन ऑथराइज होता है क्या रजिस्ट्रेशन करने के लिए? ऑफिशियली तो नहीं है, ऑफिशियली नहीं है। मैंने ना कोई इसका रिटर्न ऑर्डर किया इस अवधि के दौरान, ठीक है, 5 से लेकर 9 तारीख तक आपने कितनी रजिस्ट्रेशन की, उसके बारे में बताइए। ये तो एक्सरेट उसमें देखना पड़ेगा, टोटल फिगर देखना पड़ेगा। क्या वो रजिस्टर आपके पास नहीं होता? हाँ अवेलेबल है हमारे पास। तो आप फिगर रीड कर सकते हैं? नहीं दे सकता हूँ मैं, पर अपने डीडीओ से पहले परमिशन लेके आप जैसा बोलेंगे मैं दे सकता हूँ उसको, मतलब उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है मेरे को। जहाँ रोजगार कार्यालय में खुलेआम नियम कानून को ताक पर रखा जा रहा है, तो वहीं प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं। मामला सामने आने पर प्रशासन मामले की जांच कराने संबंधी आश्वासन देकर मामले को संभालने की कोशिश करने लगा है। सर ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में काफ़ी कंप्लेंट आ रही है कि जो एक पीएन है वही खुद ड्यूटी कर रहा है, वो ऑफिसर के सीनियर। ये जो मामला ध्यान में लाया है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो इंचार्ज हैं वो नहीं है और उनकी जगह जो पीएन काम कर रहा है, ये एक सीरियस मुद्दा है। तो इसमें जो आम जनता है प्रभावित हो रही है, जो अपना नाम रजिस्टर करवाने आते हैं रोजगार कार्यालय में, तो अगर इस प्रकार में अगर सही है तो ये बहुत गलत बात है, इसकी जांच करवाई जाएगी और ताकि जो तथ्य है वो सामने आ पाए। रोजगार कार्यालय में जिस तरह खुलेआम नियम कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है, उससे सवाल उठता है कि क्या कार्य प्रणाली में सुधार किया बिना बेरोजगारी की समस्या से लड़ा जा सकता है। बावी टीवी 100 डलहौजी।